subscribe to channel and press the bell icon for the latest update. Hello friends, मेरा नाम है मोहन गुजर और आप देख रहे हैं मोहन गुजर मेरे नाम का चैनल है। तो दोस्तों आज इस चैनल पे इस वीडियो में जो मैं आपको बात करेंगे वो करेंगे YouTube की जो नई गाइडलाइन आई है सेकेंडरी रिव्यूज को लेके, जिनका जो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है उस चीज को लेके। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हम बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के कुछ ही बता देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि ऐसा जो वो बताते हैं इसका जिक्र कहीं भी क्रिएटर इनसाइडर में नहीं होता है। जो भी उनका अपडेट होता है यूट्यूब का, उसमें कोई ऐसा कोई अपडेट नहीं होता है। तो दोस्तों जो अभी नया जो क्रिएटर का जो अपडेट आया है यूट्यूब का मोनेटाइजेशन को लेके, उसमें उन्होंने तीन चीज़ों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बताया है कि अगर आप तीन चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी जो 2018 में जिसने भी नया चैनल बनाया है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि जिन्होंने पहले बनाया था उनका तो शायद हो सकता है अब तक मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका होगा, और जिसका एक बार ऑन हो गया तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर वो और उसके यूट्यूब की पॉलिसीज के हिसाब से काम करें। तो जो यूट्यूब ने जो मोनेटाइजेशन को लेकर जो तीन नए अपडेट दिए हैं वो दिया है, पहला वो दिया है सेकेंडरी रिव्यू के ऊपर, सेकेंड जो अपडेट दिया है वो है दिया है डुप्लीकेसी के ऊपर, और जो तीसरा जो अपडेट दिया है वो है वैल्यूएबल कंटेंट के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन सेकेंडरी रिव्यूज के ऊपर। तो जिन यूट्यूबर्स का जो चैनल है जिनका 4000 वॉच आवर्स पूरा हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर भी, लेकिन जिनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, तो उसको गूगल ने अपने रिव्यू के लिए अंदर डाल रखा है, जिसको मैन्युअली एक आदमी बैठ के जो भी यूट्यूब का एम्प्लॉई उसको चेक कर रहा है। तो उसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो इन्होंने पहले अपना दे दिया उनका फोन नहीं हुआ तो सेकेंडरी रिव्यू के अंदर जाता है, अगर उसमें भी नहीं होगा तो एक तरह से आपका चैनल बेकार है, उस पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेंगे। उसके बहुत से रीजन है, जैसे डुप्लीकेसी, आपने टैग्स गलत किए हुए हैं, आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किया हुआ है, तो इस तरह का मत कीजिए, सब पहली चीज़ जो उन्होंने अपडेट में बताई है। ठीक है, तो जो सेकेंड जो अपडेट आया है वो आया है डुप्लीकेसी के ऊपर। तो डुप्लीकेसी को हम इस तरह से जान सकते हैं कि आपने उदाहरण के लिए, जैसे होते हैं रिएक्शन चैनल्स, कि आपने किसी और के वीडियो को अपने वीडियो में डाला और सिर्फ मुंह से हंस के उसको रिएक्शन दे रहे हैं कि ऐसा है या ऐसा कर रहा है, तो एक डुप्लीकेसी के अंदर आ जाती है कि उसमें आपने अपना वीडियो कुछ नहीं बनाया, आपने किसी और के कंटेंट को कॉपी करके अपने वीडियो में बनाया और उस पर आप रिएक्शन दे रहे हैं, तो ये कोई वीडियो नहीं बना, ये कोई कंटेंट नहीं है यूट्यूब के लिए, कोई वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है कि यार इससे आपको उनको फ़ायदा हो रहा है या उससे वो एक्चुअली वो आपको देख नहीं रहे, आपकी वीडियो को नहीं देख रहे, वो उस वीडियो को देख रहे हैं जिसकी वीडियो को आपने यूज़ किया। जैसे कि यार बहुत से रिएक्शन चैनल हैं जिसमें भुवन बाम की वीडियोज़ को रिएक्शन देते हैं, तो इस तरह का वीडियो नहीं बनाना, अगर इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो भी आपके जो चैनल है यूट्यूब का उसको मोनेटाइजेशन का ऑन नहीं किया जाएगा। और जो लास्ट जो थर्ड अपडेट आया है उनका, वो आया है वैल्यूएबल कंटेंट, आई मीन ऐसा कंटेंट जो ओरिजिनल हो, आपका खुद का हो, वॉइस ओवर ना हो, किसी का कॉपी ना किया हो, और ज़्यादा छूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो मैनुअली जो इंसान वहाँ चेक कर रहा है आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, जो रिव्यू कर रहा है वो हर एक चीज़ को आपको चेक करता है कि आपने जो टैग्स किए हैं, आपने जो सब्जेक्ट लाइन डलाई है, जो आप क्लिक बेट्स करते हैं, जो आपने अपना थंबनेल बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थंबनेल में कुछ और डाल दिया, क्वेश्चन मार्क वगैरह, और आपने वीडियो में कुछ और दिखाया, तो वो गलत है, क्योंकि वो आपके जो आपके व्यूवर्स हैं वो आपके ओनली थंबनेल को देख के आपके वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके वीडियो में वो चीज़ है ही नहीं जो आपने अपने थंबनेल में दिया है। तो ये ही है, और मेरा जो अपनी तरफ से मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कंटेंट बनाइए जो ओरिजिनल हो, जिसमें फेस आपका हो, जिसमें आपकी वॉइस आपकी हो, और जो कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ हो, थोड़ा ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, तभी आपके जो चाहे आपको टाइम कम लगेगा, सिर्फ शॉर्टकट मत ना अपनाइए कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी 4000 फॉलोअर्स कैसे करूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके इतने तो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स होते हैं कि आप 1000 सब्सक्राइब बहुत जल्दी जाएंगे और आपके 4000 वॉच आवर्स भी हो जाएंगे अगर आप उनको कहेंगे कि आप पूरा वीडियो मेरे देखो। लेकिन इस तरह के जो इलीगल जो चीज़ें होती है आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती है, तो प्लीज़ आप इस तरह का कंटेंट मत बनाइए, चाहे आपको टाइम लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आप यूट्यूबर पे अप्लाई करो मोनेटाइजेशन के लिए, तो फर्स्ट रिव्यू में आपका चैनल को
ऑन कर दे मोनेटाइजेशन को। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मैंने चीज़ें बताई उनको जरूर ध्यान में रखें। अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप अपना चैनल को टाइम दे रहे हो, इतनी एडिटिंग वगैरह जो भी करते हो, और उसके बाद में आपको क्या मिले, जीरो। तो आप अच्छा कंटेंट बनाइए, वैल्यूबल कंटेंट बनाइए, डुप्लीकेसी मत बनाइए, ताकि आपके चैनल को सेकेंडरी रिव्यू के लिए जाना ही ना पड़े। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।